घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर घुसते साथ ही हमें शांति और खुशी का एहसास हो। तो एक अटेम्प्ट है कि एक घर को किस तरीके से हम होम बनाते हैं, उसी की मेरी कोशिश है। बिकॉज़ यू नो, हम लोग इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं बीइंग डॉक्टर्स। तो व्हेन यू एंटर योर हाउस, यू जस्ट फील दैट इट शुड बी वेरी वेरी रिलैक्सिंग, कि आपका सारा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। दिस इज़ माई स्टेयरवे एरिया, और ये एक छोटी सी सेठी मैंने इस एरिया में रखी है। थोड़ी सी स्पेस हमको मिली है, तो इसी स्पेस को यूटिलाइज करके हम यहाँ पे एक जेन गार्डन सॉर्ट ऑफ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। और इस काम में हमारी हेल्प करेंगी मिस प्रणिका, जो एक बहुत ही शैतान और प्यारी बच्ची है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी क्रिएटिव। सो प्रणिका, यू विल हेल्प मॉम। यस, लेट्स गो। सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रास के कुछ पीसेस मेरे पास बचे हुए थे, तो इसको हम बिछा देते हैं। ओके, तो एक और प्लांट हमने अरेंज कर दिया है। अब एक और प्लांट रखो वहाँ पे। ओके, थोड़ा सा आगे करो बेटा। नाइस। ओके, और ये मेरा एक बोनसाई है जेड प्लांट का। अब इसका हम थोड़ा सा एक अच्छा सा मिनी गार्डन टाइप लुक देंगे। थोड़े से आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं जो इसके आसपास लगा रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा ट्रे गार्डन स्टार्ट हो गया, बन गया है। और अब ये प्रणिका एक आर्टिफिशियल पॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इसमें ब्लू कलर की पेबल्स डाल रही है, विच आर ऑल वेरी शाइनी। इससे क्या होगा प्रणिका? इससे वो बहुत रियल लगेगा। ओके ओके। इसमें दो तो मछलियाँ हैं, बाकी एक फ्लावर है और एक ऑक्टोपस भी है, जो भी थोड़ी देर में स्वेल अप हो जाएगा। सो नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक, और इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी काम, वेरी पीसफुल। ये छोटे से हमारे गणेश जी का गार्डन है, ये छोटा सा पॉन्ड है जो प्रणिका ने बनाया है। ऑल इज़ लुकिंग वेरी क्रिएटिव। और थोड़ी देर यहाँ पे आप चेयर डाल के अगर बैठेंगे तो आपका जितना भी स्ट्रेस है हॉस्पिटल का और पेशेंट्स का, इट ऑल गेट्स रिलीव्ड। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके घर में एक ऐसा कॉर्नर होना चाहिए जहाँ आपको मन की शांति मिले। सो दैट इज़ बेसिकली माई एम। इट टेक्स पेन्स टू मेक अ हाउस एंड होम, बट इट्स एक्चुअली वर्थ। सो आई होप यू लाइक्ड माई एफर्ट्स। स्टे ट्यून फॉर मोर एंड स्टे वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।